नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड की तरफ से कब दसवीं के परिणाम जारी किए जाएंगे। बिहार बोर्ड ने हाल ही में अपने नाम एक नया कीर्तिमान दर्ज किया है, जिसके तहत सीबीएसई और आईसीएसई समेत देश भर के सभी बोर्ड को पीछे छोड़ते हुए परीक्षा को समय पर आयोजित करने के साथ साथ परिणाम को भी सबसे तेज जारी करने का रिकॉर्ड बनाया है, जिसके तहत सभी बोर्ड के मुकाबले सभी बिहार बोर्ड के छात्रों के पास बाकी बोर्ड के छात्रों के मुकाबले ग्रेजुएशन में दाखिला लेने का साथ ही साथ अन्य करिकुलर एक्टिविटीज सीखने का मौका मिल गया है। वहीं अब बिहार बोर्ड के मैट्रिक के परीक्षार्थियों को मैट्रिक के परीक्षा परिणाम का इंतजार है, जिसके बाद बिहार बोर्ड के सामने इंटर के तर्ज पर मैट्रिक की परीक्षा परिणाम को समय पर जारी करने की बड़ी चुनौती सामने है। हालांकि जानकारों की माने तो बिहार बोर्ड अब इंटर के बाद मैट्रिक के परीक्षा परिणाम को जारी करने की तैयारियों में जुट गया है। इसको लेकर बीएसईबी चेयरमैन आनंद किशोर ने भी 26 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान परीक्षा परिणाम जारी करने के दौरान अपना बयान जारी करते हुए यह साफ कर दिया था कि मैट्रिक परीक्षा 2021 के परीक्षा फल अप्रैल महीने के पहले सप्ताह में जारी किए जा सकते हैं, जिसके बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि रिकॉर्ड कायम करते हुए बिहार बोर्ड 5 अप्रैल तक मैट्रिक रिजल्ट की घोषणा कर सकती है। बोर्ड की माने तो रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया अब अपने आखिरी पड़ाव में है, क्योंकि मैट्रिक परीक्षार्थियों के कॉपी मूल्यांकन का काम पूरा किया जा चुका है, साथ ही सर्वर पर अपलोड करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है, जिसके बाद समय पर ही रिजल्ट जारी होने की संभावना जताई जा रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि दसवीं बोर्ड परीक्षा 2021 का आयोजन 17 फरवरी से 24 फरवरी तक कोरोना के माहौल में ही करवाया गया था। हालांकि परीक्षा के दौरान तमाम तरह के गाइडलाइन का पालन किया गया था, जिससे परीक्षा का आयोजन भी सफल रूप से हो गया और कोरोना के फैलने की कोई जानकारी भी सामने नहीं आई है। आपको बता दें, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में कुल 16,84,466 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इनमें 8,37,803 छात्राएं और 8,46,663 छात्र शामिल हुए थे। रिजल्ट आने के बाद सभी छात्र अपने परीक्षा परिणाम को बिहार बोर्ड ऑनलाइन .bihar.gov.in, www.bsebbihar.com, www.onlinebseb.in, www.bsebresult.online, www.bsebonline.org पर जाकर अपने परिणाम देख सकते हैं। फिर आप बिहार मैट्रिक रिजल्ट 2021 का SMS से परिणाम पाने के लिए आप अपने फोन में टाइप करें BSEB 10, उसके बाद स्पेस देकर फिर अपना रोल नंबर लिखकर 56263 पर भेज सकते हैं। ऐसा करने से घोषित होने के बाद आपका परिणाम आपके रजिस्टर्ड नंबर पर भेज दिया जाएगा। वहीं पिछले साल की बात करें तो रिजल्ट 26 मई को जारी किया गया था। हालांकि पिछले साल भी मैट्रिक के रिजल्ट पर कोरोना का प्रभाव देखने को मिला था। बिहार बोर्ड ने रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही यह साफ किया था कि कोरोना से बचाव के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के कारण देश के अन्य परीक्षा बोर्ड या तो परीक्षा का आयोजन अभी तक पूरा नहीं करवा पाए हैं या फिर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं हो पाया है, और यही कारण है कि देश के किसी भी बोर्ड के द्वारा परीक्षा परिणाम का प्रकाशन नहीं किया गया है। लेकिन बिहार बोर्ड ने ऐसा करके पिछले साल भी कीर्तिमान स्थापित किया था, जिसके तहत वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2020 में कुल मिलाकर 12,04,030 परीक्षार्थी सफल हुए थे, जिसमें छात्रों ने बाजी मारी थी। वहीं पिछले साल जारी किए गए परिणाम में 6,13,485 छात्र और 5,90,545 छात्राएं उत्तीर्ण हुई थी, यानी कि 80.59% छात्र सफल होने में कामयाब हुए थे, जिसमें हिमांशु राज ने 481 अंकों के साथ बाजी मारी थी, जिसके बाद अब इस बार के परीक्षा परिणाम का इंतजार हो रहा है। इंटर परीक्षा का परिणाम तो इस साल लड़कियों के नाम रहा। तीनों संकाय में लड़कियों ने ही बाजी मारी। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सबकी टॉपर लड़कियां रही। आपको बता दें, इस साल बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट में कुल 78.04% छात्र पास हुए हैं, जिसके तहत आर्ट्स में 77.97%, कॉमर्स में 91.48% और विज्ञान यानी कि साइंस में 76.28% स्टूडेंट पास हुए हैं। इस साल 10,45,950 छात्र छात्राएं पास हुए, जबकि करीब 3 लाख परीक्षार्थी फेल हो गए हैं।